इस मामले में क्या हो सकता है? अजमानती मामला है, होश में काम करें और जनहित में काम करें। इसमें तो न्यायालय जेल में भी भेज सकती है विधायक को। किस तरह से पुलिस प्रशासन का काम था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस सरकार के इशारों पर काम करती है। यहाँ का जो पुलिस महकमा है वो कार्यक्रमों में मंचों पर नजर आ रहा है। या जेल भी जा सकते हैं? न्यायालय को लगता है तो निश्चित तौर से जेल में भी भेज सकती है विधायक को। गुंडा राज दिखता है, बिल्कुल गुंडा राज है। बिल्कुल विधायक सिमरिया के पी त्रिपाठी मुलजिम है, ये विवादित विधायक हैं। आरोपी बनने भी नहीं चाहिए, आरोपी बचने भी नहीं चाहिए। तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। गुंडे हो तुम, चल चल तुझको बताता हूं मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, यह कहावत अपने बघेरी में कही जाती है और इसका तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर हम बबूल का पेड़ लगाते हैं तो उससे आम के फल की आशा ना रखें, पर आजकल होता ऐसा नहीं है। हम कर्म कड़वे करते हैं और मीठे फल की आशा रखते हैं। फालतू की बात मत करो तुम, करेस्पोंडेंस हमको न बताओ। देखो हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं इसलिए बात नहीं, अकेले होते तो फिर हम बताते। तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। गुंडे हो तुम, चल चल तुझको बताता हूं मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। एक बार फिर हम हाजिर हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़ी खबर लेकर, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर विधायक अपने क्रियाकलापों के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार विधायक केपी त्रिपाठी पर न्यायालय ने शिकंजा कसा है और यह शिकंजा कसा गया है एक बड़े आपराधिक मामले को लेकर, जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ और इसकी साजिश विधायक केपी त्रिपाठी ने रची थी। यह हम नहीं, विपक्ष नहीं, न्यायालय ने माना है। दरअसल विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा अपने चहेतों के खाते में पैसा का भुगतान करने का दबाव जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ पर डाला गया था। जब सीईओ ने गलत कार्य करने से इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई और ठीक जो धमकी दी गई थी उसी समय में उनके ऊपर पूर्वा में प्राण घातक हमला हुआ और उपचार से जनपद सीईओ की किसी तरह से जान बची। उक्त मामले में पीड़ित और विपक्षियों ने पहले ही मांग की थी कि विधायक ने साजिश कर हमला करवाया है और जो आरोपी है वह सभी विधायक के चमचे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कई भाजपा के पदाधिकारी थे और इन्हीं के खातों में शासन की विभिन्न योजनाओं का पैसों का भुगतान हो रहा था और करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। सत्ता दबाव के आगे पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने केपी त्रिपाठी के भाई नीरज त्रिपाठी उर्फ नीरू, विनय कुमार शुक्ला, मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू, सत्यभान सिंह पटेल, ध्रुव तिवारी, विवेक गौतम, रानू पांडे निवासी सिमरिया, रोहित शुक्ला, अंकित पांडे निवासी सिमरिया, सनम उर्फ गोगा खान निवासी सिमरिया, राहुल सिंह निवासी रगौली, अमन सोनी निवासी सिमरिया, गौरव पाटकर निवासी सिमरिया, विजय गुप्ता निवासी सिमरिया, अमरेन्द्र शास्त्री निवासी रीवा, राजीव अवस्थी निवासी रीवा और धर्मेंद्र द्विवेदी के खिलाफ 341, 342, 254, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। बाकी के संबंध में जांच जारी होने की बात कही जा रही है, जबकि विधायक केपी त्रिपाठी के मामले में कोई जिक्र नहीं किया गया था, जो दर्शाता है कि पुलिस केपी त्रिपाठी को बचाना चाहती थी। इतना ही नहीं, इसमें से अभी भी एक दर्जन से ज्यादा आरोपी फरार हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। गंभीर रूप से घायल सीईओ जब उपचार कराकर ठीक होने के बाद रीवा पहुंचे तो उनका कोर्ट में बयान हुआ तो न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को साजिश रचने का आरोपी माना। आपको बता दें, विधायक केपी त्रिपाठी पर जनता आरोप लगाती रही है कि जनता का वोट पाकर
सत्तासीन हुए और उसी जनता का शोषण करना शुरू कर दिया है। यह कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले किसी शिक्षक ने इनके फरमान की बेफरमानी की तो उसकी नौकरी चली गई। प्रतिद्वंदी राजनीतिज्ञों ने विरोध किया तो हमला हुआ। छोटे मामले दर्ज हुए, पीड़ितों की आवाज मीडिया बनी तो मीडिया के ऊपर हमला करवाया गया, तोड़फोड़ की गई, झूठे मामले दर्ज कराए गए। कुल मिलाकर शहर से लेकर गांव तक विधायक केपी त्रिपाठी ने विगत 4 वर्षों में जमकर तांडव मचाया। इतना ही नहीं, इनके गुर्गों ने दुकानों में घुसकर मारपीट की। विधायक स्वयं शराब दुकान में घुसकर विकलांग युवक के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने इन्हें आरोपी नहीं बनाया। मतगणना दिनांक से ही अपने क्रियाकलापों के लिए चर्चा में रहे विधायक केपी रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के चहेते माने जाते हैं, जिससे राजेंद्र शुक्ला पर भी कई बार आरोप लगे कि इन्हीं के संरक्षण में विधायक केपी त्रिपाठी एक जनप्रतिनिधि की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है, जमकर वसूली हुई, अवैध कारोबार हुए। वहीं आम जनता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिद्वंदी मीडिया का शोषण हुआ, जनता को परेशान किया गया। गनीमत रही कि न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया और पीड़ित को न्याय मिला। अब विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ भी 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। न्यायालय द्वारा जनपद सीईओ को न्याय मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं कानून के जानकारों ने बताया कि कुछ कानूनी फॉर्मेलिटी के बाद विधायक केपी त्रिपाठी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि विधायक को आरोपी बनाए जाने के लिए आप पार्टी के द्वारा उसी समय बसावन मामा में जल सत्याग्रह किया गया था। एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मामला उठाया, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के दबाव में मूक दर्शक बनी रही, जिसके द्वारा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करना तो दूर की बात, इनके गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी पसीना छूट रहा है। हद तो यह हो गई है कि सिमरिया में मामला दर्ज हुआ और आरोपी विश्वविद्यालय थाना में आत्मसमर्पण किया, जहां उनका आव भगत हुआ। आरोपियों के बयान वायरल कराए गए। इतना ही नहीं, जेल जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां VIP ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। और यह सब हो रहा था सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के संरक्षण में, जो स्वयं आरोपी थे और सातीर अपराधियों से मिलने जेल जाते रहे हैं, जिन्हें अब स्वयं जेल जाना पड़ सकता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब केपी त्रिपाठी जैसे लोग जनता के चुने जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए सत्ता का उपयोग कर उसी जनता का दमन करने के लिए अपने उस पद का उपयोग करते हैं जो जनता ने दिया है, तब लगता है कि आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गए, पर भ्रष्टाचारी नेताओं के चंगुल में आज भी कैद हैं। हालांकि अब न्याय हुआ और विधायक केपी त्रिपाठी स्वयं आरोपी बनाए गए हैं, जिन्हें न्यायालय ने 8 दिसंबर 2022 को तलब किया है। आइए आपको सुनाते हैं आप पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विपक्षी पार्टी और कानून के जाने वाले अधिवक्ताओं को कि अब सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ किस तरह से कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्या नियम है, स्थानीय लोगों को उनका इस मामले के साथ साथ विधायक के आतंक और निष्क्रिय पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है। पहले सुनाते हैं उक्त मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता को। सीओ जनपद पंचायत सिरमौर के विरुद्ध विधायक केपी त्रिपाठी और उनके कुछ आदमियों ने पूर्वा फाल के पास 16/8/2022 को घटना कारित किया था। उसमें पुलिस ने अन्वेषण सही तरीके से नहीं किया था और कुछ आरोपियों को मुलजिम बनाकर पेश किया गया था, और जब न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ उस समय हम सीओ साहब की ओर से आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए 190 धारा का, तो उन्होंने प्रकरण का अवलोकन किया और उसमें वो विधायक केपी त्रिपाठी जी को विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 353, 332, 333 का 120B का संज्ञान लिया है, और अन्वेषण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि आपका अन्वेषण जो है गलत तरीके से किया गया है, और कुछ बिंदुओं पर डायरेक्शन दिया गया है कि अन्वेषण करें, और उसके बाद 173(8) में जो अन्य आरोपी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और विधायक जी के
विरुद्ध संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया गया है उपस्थित होने के लिए न्यायालय में। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए और जो प्रकरण में हीला हवाली की गई है उन बिंदुओं पर भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि ये गलत तरीके से आप विवेचना किए हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो मोबाइल लोकेशन टावर लोकेशन इत्यादि बिंदुओं पर भी अन्वेषण के लिए निर्देशित किया गया है और विधायक को सीधे सम्मन जारी किया गया है हाजिर होने के लिए। पुलिस में कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने अपराध? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष के विरुद्ध 173(8) का प्रकरण अभी अन्वेषण में है और विधायक जी के खिलाफ संज्ञान ले लिया गया है। बस इतने अभी काम चल रहा है। इनके ऊपर 120 भी है और अन्य जो भी धाराएं हैं 147, 48, 49 और 353, 325, 332, 333 की धाराएं अभी लगा, कोर्ट का लगा है, पहले लगा। ये 120 भी में भी सभी धाराएं पहले से ही लगी थी। 307 को पुलिस ने हटा दिया है। इस बिंदु में भी हमारा फोकस था कि 395, 394, 397 और 307 का मामला संज्ञान लिया जाए, लेकिन अभी इस बिंदु पर कोई कोर्ट का डायरेक्शन नहीं मिला। जनपद पंचायत सीओ सिरमौर का वो जो मारपीट का मामला था जिसमें सेमरिया विधायक के इन्वॉल्वेशन की बात थी, उसमें कुछ जानकारी मिली है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जिसने जो है अपने लोगों से जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में तांडव मचा रखा था, इनके द्वारा लगातार कई बार मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, मेरा मैक्स में दवाई हुई दिल्ली में, उसके बाद इन्हें गांव-गांव के अंदर जिस प्रकार मारपीट की घटना घटाई, अभी लास्ट टाइम जो है जैसे जो है सीओ को जिसके साथ जो मारपीट की और उनको अधमारा छोड़ा गया था उस पर जो है इनके लोग जो है सलाखों के 4 लोग सलाखों के पीछे जेल में हैं, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने जो है जल सत्याग्रह किया था और 120 बी का मांग की थी कि विधायक के ऊपर भी 120 बी का मुकदमा चलना चाहिए। जिस प्रकार पत्रकारों की गाड़ी को तोड़वाना, लोगों को मरवाना, ऐसा काम जो करना, इसके लिए ने सिरमौर न्यायालय ने एक निर्णय पास किया है कि अब विधायक सिमरिया को भी उन अपराधियों के साथ में संलिप्त किया जाए और 120 बी का मुकदमा जो है उनके ऊपर दर्ज किया जाए। इस बात की जो है जानकारी मुझे बताई गई और ये जो है समस्त क्षेत्र के लिए एक न्याय की प्रक्रिया है और हम सभी लोग जो है बहुत ही खुश हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो जल सत्याग्रह किया, प्रशासन ने और जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और इस वक्त जो है अब जो है मुलजिम जो है सबके साथ में विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी भी मुलजिम है और ऐसे अपराधियों को जो है कभी विधायक बनाने के लिए मौका ना दे बीजेपी या कोई भी सत्ता दल जो है ऐसा ना करे। इस बात के लिए हम लोग जो है अपना ये प्रेस रिलीज करते हैं। अशोक जी, जो अभी ये विधायक पे इतने देर बाद जो मुकदमा आप लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन किया, विधायक सिमरिया पे जो मुकदमा हुआ, तो इस पे क्या कहेंगे पुलिस के रवैये को लेकर? जय हिंद साथियों, ये मामा की सरकार है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा अधिकारी मारा गया, उसके बाद आज महीने भर बाद जाके मुकदमा बना है विधायक के ऊपर, जो पुलिस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता हुआ दिखा रहा है। और हम चाहते हैं ये कुल मिला के जो हुआ मामा की कृपा है और लोकतंत्र की जीत हुई और मामा का डंडा कहीं ना कहीं सब पे चलता है, तो ये विधायक के लिए सावधानी बरतने का समय है कि होश में काम करें और जनहित में काम करें, नहीं तो इससे बुरे बुरे भी अभी कांड होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि हम लोगों ने जब इतना प्रकरण करा, अनशन धरना प्रदर्शन दिया, तब जाके कोर्ट के द्वारा FIR का आदेश आया, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? जबकि इतना पुराना प्रकरण है और इतना गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस अपना खाना पूर्ति कर रही थी। और कोर्ट के आदेश पे और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मुकदमा बना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस कप्तान इसमें थोड़ा गंभीरता से काम करें। विजय जी, कल जो है आदेश जो आया उस पे लेकर जिस प्रकार से 120 बी का मुकदमा सिमरिया विधायक पर हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक जन सामान्य व्यक्ति इस तरह की हरकत करता तो पुलिस का जो रवैया तत्काल उसको जो है तो अरेस्ट कर लिया जाता और जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यही ये जो मामला है, पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की, पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप है कि पुलिस निष्क्रिय रही और कोर्ट में जाके ये मामला कोर्ट ने जो है तो इसको जो है तो अपने उसमें से इसको संरक्षण में लेके FIR करने का आदेश दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय था
इसलिए इसको पुलिस को पहले इसको मामला बनाना चाहिए, FIR करना चाहिए। अगर पुलिस सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट कोई करता तो तत्काल उसको गिरफ्तार कर लेती है। आइए, जब CEO के साथ मारपीट हुई, इस मारपीट को विधायक के ऊपर जब आरोप लगे तो विधायक को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, इसलिए कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। कोर्ट के संज्ञान में जो तो यह मामला है तो कोर्ट ने फैसला किया, इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इसको जो है तो तत्काल पुलिस को सक्रिय होकर इसको जो है तो गिरफ्तार करना चाहिए और आम सामान्य जन को सुरक्षा महसूस हो ऐसा होना चाहिए। भाई साहब, ये सिरमौर जनपद CEO के साथ मारपीट हुई थी, उसमें कई आरोपी बनाए गए थे, वर्तमान में न्यायालय ने सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी का भी नाम जोड़ा है, क्या मानते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन का काम था, कैसे राजनीतिक के लोग हैं जो मुंह दबाने के लिए काम करते हैं, अधिकारी क्या लगता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देखा होगा, वो कहते थे मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, तो उन्हीं के पार्टी के विधायक ने CEO से मारपीट की, ये दुनिया ने देखा। लेकिन जिस तरह से रीवा की पुलिस ने, सिमरिया की पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आपने लापरवाही करी है, तो पुलिस 100% जिम्मेदार है। दूसरी बात, यदि विधायक ने ऐसे कृत्य किए हैं, इसके पूर्व भी आपने देखा होगा शराब की दुकान में विधायक जाके मारपीट कर चुके हैं, खड़ी फसल विधायक के कहने पर SDM सिरमौर उजड़वा चुके हैं, तो ये सिरमौर सिमरिया के जो विधायक हैं वो KP त्रिपाठी जी, ये पूरी तरह से अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं एक गुंडई के दम पर सिमरिया की जनता को दबा दूँ, वहाँ के अधिकारियों को दबा दूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता चुन जरूर देती है, लेकिन आपके कृत्य आपको अर्श से फर्श पर लाने में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से आपने एक प्रशासनिक अधिकारी को धमकी दी, मारपीट करी, कराई, लोगों के साथ उनके साथ मारपीट हुई, फिर मुकदमा कायम नहीं हुआ, फिर कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और असली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारित पार्टी है, भारतीय संस्कार पार्टी, ये उसका संस्कार है, ये उसका भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है, KP त्रिपाठी जी ले आए हैं। बाकी ये तो पहले इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने भी चप्पल मारी थी अधिकारी को, उनके बेटे बैट बल्ला से खेले, अब ये KP त्रिपाठी जी ने किया, कोई नई बात नहीं, पर ये सर्वनाक है, ऐसे कृत्य निंदनीय है, नहीं होने चाहिए। अपराधी अपराध करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जवाबदारी होती है कि समय पर कार्यवाही करे, कि ऐसा मैसेज जाता है कि अपराधी को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर नाम नहीं लेता, जिक्र नहीं करता कि जाँच है कि नहीं है, विवेचना में, जबकि ऑडियो में स्पष्ट हो रहा था जनपद CEO चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, उन्होंने धमकी दी ऑडियो, तो फिर पुलिस प्रशासन की भूमिका किस तरह? देखिए, पुलिस को तो बना दिया सरकारों ने, मेरा ये मानना है कि जनता के पैसे से, जनता के दिए हुए टैक्स से सारे विभाग के लोग अपनी तनख्वाह पाते हैं, तो पुलिस भी जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस सरकार के इशारों पर काम करती, विधायक सांसद और मंत्रियों के इशारे पर काम करती है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने तमाचा मारा, जो शर्मनाक। मैडम, सिरमौर जनपद CEO के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी के ऊपर भी आरोप था और उनके साथियों का भी फैसला आया है। फैसला क्या आया है कि न्यायालय ने माना कि वो भी आरोपी हैं, पुलिस आरोपी नहीं बनाई। क्या लगता है किस तरह से पुलिस की भूमिका थी, क्या मैसेज जा रहा है जनप्रतिनिधियों का इस तरह से कि अब पैसे का भुगतान करने के लिए कहो, ना करे तो किसी अधिकारी पर हमला करवा दो, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया था कि इस घटनाक्रम में जो है KP त्रिपाठी विधायक शामिल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो अड़ियल रवैया है कि यदि उनसे जुड़े कोई लोग, सत्ता सरकार से जुड़े कोई लोग अपराध करते हैं, अपराध में संलिप्त होते हैं या अपराध कराने के लिए उकसाते हैं, तो उनको लगातार वो बचाने का काम कर रही है, इस फैसले से स्पष्ट हो गया है। नहीं तो पुलिस चाहती तो जब पहले ही सबूत आपको मिल चुके थे, फरियादी पक्ष ने सारे रिकॉर्ड दे दिया, आपको ऑडियो दे दिया, वीडियो दे दिया, सारा रिकॉर्ड दे दिया, तो पुलिस को पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। जो धाराएं लगी हैं, जिससे 341, 342, 47, 48, 33, 325 लगी है, तो क्या मानते हैं आगे क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, पुलिस क्या करती है, आम जो व्यक्ति होता है उसके खिलाफ अगर ऐसे मामले आते हैं, वकील आ जाए, पत्रकार आ जाए, आम जनता आ जाए, तो क्या होता है, सत्ता के दबाव में क्या हो सकता है आगे इसमें? देखिए, इसमें जो धाराएं हैं 333 को छोड़ के, वो जो है उसमें सब 7 वर्ष से कम सजा वाले मामले से संबंधित धाराएं हैं, और जो 333 है IPC की धारा, उसमें 10 वर्ष का जो है सजा का प्रावधान है।
तो ये अजमानती मामला है और इसमें इस तरह से जो मामले आ रहे हैं इसमें पुलिस को तो चाहिए कि भाई यदि पुलिस ने उनको आगामी 8 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कोर्ट में कहा है तो क्या पता वो विधायक उस समय मिलते हैं कि नहीं। तो पुलिस को चाहिए कि पुलिस उनको अभी से जिस तरह से आदेश है वहाँ से जो जानकारी हुई है कि वहाँ से संबंध जारी है तो पुलिस को उनको अपने मतलब कहीं ना कहीं उनको दायरे में ले लेना चाहिए या पूरी निगरानी करना चाहिए विधायक के ऊपर। भाई ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप विधायक हैं तो वो खुली छूट रहेगी उनको घूमने की, और जो आदतन अपराधी हैं या वैसे भी अपराध में जो संलिप्त होते हैं तो उनके लिए पुलिस सारी ताकत लगा देती है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी को साफ सुथरा मैसेज देना है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के आवाम को, तो उनको अभी से उनको निगरानी में ले लेना चाहिए। ये भी कहना चाहता हूँ कि जब छोटे मोटे कोई अपराध हो जाते हैं तो पुलिस यदि अपराधी को घर में नहीं पाती है तो उनके माँ बाप को परिजनों को उठा के थाने में ले जाती है। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ अभी आप जाएंगे थानों का निरीक्षण करेंगे तो ऐसे आपको 150 लोग रीवा ज़िले के अंतर्गत थानों में मिल जाएंगे कि जिसके माँ बाप वहाँ पर थाने में मौजूद मिलेंगे और उनसे ये कि आपको हम मामले में संलिप्त कर देंगे नहीं तो आप उसको हाजिर करो। तो इस तरह का मामला यदि आप आम नागरिक पर आप इस तरह का कानून चलाते हैं तो ऐसा ही कानून सब पर होना चाहिए। जिस तरह से एक थप्पड़ मारने पर जो है आप पुलिस को मुकदमा कायम करने का अधिकार है तो इसी तरह यदि पुलिस किसी को मारती है या पुलिस ऐसा घटनाक्रम करती है तो पुलिस के खिलाफ भी मामले होना चाहिए। जी अभी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ पहले आरोप लगा, एक आप पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर हमला करवाने का शिकायत किया, धरना प्रदर्शन किया, पत्रकारों की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, वहां कई बार इस तरह से मामले आए, मामला दर्ज नहीं किया गया, जो भी न्यायालय ने माना, तो इससे तो ऐसा क्या लगता है कि पुलिस अगर सही समय पर कार्यवाही करती है कि नहीं की, सिद्ध हो गया कि पुलिस ने बचाया, कार्यवाही नहीं की, जिक्र नहीं किया केपी त्रिपाठी का जबकि आरडीओ था, जनपद सीओ का बयान हुआ, ऐसा लगता है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है, अगर तुरंत कार्यवाही हो जाए तो यहां तक मामला नहीं पहुंचता, अपराधी ना पनप पाए और आम जनता को भी ऐसा लगे पुलिस साथ में है। जैसी देखिए जैसे आपने कहा केपी त्रिपाठी पर तमाम मामले आए इस कार्यकाल के उनके दौरान, तो ये तो पूरा रीवा जिला ये जानता है, प्रदेश का आवाम जानता है कि ये विवादित विधायक हैं और इनका जो रवैया है वो सेवा भावना का नहीं है। विधायक का मतलब होता है जनप्रतिनिधि और जनता का सेवक, लेकिन जो इनके बारे में जो भी घटनाक्रम इनके कार्यकाल के दौरान आया तो इससे स्पष्ट हो गया है कि इनका जो ये जनप्रतिनिधि होने लायक तो है ही नहीं है। और लगातार इतने घटनाक्रमों के बाद भी यहाँ सारे विधायक, यहाँ मंत्री स्तर के लोग बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी को कड़ाई बरतना चाहिए। लेकिन जो देखने को मिल रहा है 3-4 दिन से ये मामला जो है संज्ञान में है, मीडिया में चल रहा है, समाचार पत्रों में चल रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी के कुनबे को सांप सूंघ गया है। तो इससे स्पष्ट है जो जनता, आम जनता जो चर्चा करती है वो तो ये कहती है कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये जनहित में काम नहीं कर रही है और इसी तरह ये जो है इसका रवैया ठीक नहीं, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखें कि शराब दुकान में घुसकर मारना, इनके आदमी ने दुकान फौजी घर में घुसकर मारना, क्या पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि आपके पास बहुत सारे? देखिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग तो बीजेपी कर ही रही है। मैंने अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक दरोगा रैंक के अधिकारी हैं, मैंने उनसे कहा कि साहब क्या आप सरकार की मात्र सुनेंगे कि आप विपक्ष की भी सुनेंगे कि जो वाकई पीड़ित हैं उनकी भी पीड़ा को सुन करके आप कार्रवाई करते हैं? तो उनका यह जवाब था कि साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम लोग 80% सत्ता सरकार से जुड़े लोगों का काम करते हैं, नेता मंत्री विधायकों के दबाव में काम करते हैं और 15-20% जो है उन लोगों को न्याय मिल पाता है जो पीड़ित लोग होते हैं, लेकिन 80% हमको सरकार के इशारे पर काम करना पड़ता है। ये उनका जवाब था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये नौकरी में है और ये जिस तरह की ये हुकूमत बैठी है तनाशाह हुकूमत, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। इस मामले में क्या हो सकता है? इसमें तो न्यायालय जेल में भी भेज सकती है विधायक को। भाजपा को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए?
भाजपा को भी संज्ञान लेना चाहिए, उनके पास बहुत बड़ा शासन है, कानून है, और इस मामले में यदि वाकई वो कानून का पालन करना चाहती हैं या कानून के दायरे में रहना चाहती, भारतीय जनता पार्टी कानून को मानती है, तो ऐसे में संज्ञान लेना चाहिए, विधायक के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल गुंडा राज है, बिल्कुल गुंडा राज है, और मैं तो बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि यहां का जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह से अपराध रोकने में फेल है, और यहां का जो जिला प्रशासन है वो रोजाना आपको भाजपा सरकार के कार्यक्रमों में मंचों पर नजर आ रहा है, इसलिए इस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं और रीवा सुरक्षित लग रहा है। वाला जी, एक सिरमौर जनपद सीओ के ऊपर हमला हुआ था जी, जी, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को आरोपी बनाया लेकिन विधायक केपी त्रिपाठी का नाम छोड़ दिया था जी, और अभी न्यायालय ने माना कि वो सह आरोपी है, मामला दर्ज किया है। क्या मानते हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया था, आखिर न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा, क्या चाल चरित्र उजागर हुआ, क्या हुआ? देखिए, जो सिरमौर का मामला बहुचर्चित मामला था जिसमें जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर एक हमला हुआ था, कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, कुछ लोगों को अज्ञात रखा गया था। पुलिस को निश्चित तौर से किस प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, प्रकरण की रूपरेखा क्या है, प्रकरण की भूमिका क्या है, इस पर पुलिस को विवेचना करनी चाहिए थी। इसीलिए यदि आपने FIR कुछ लोगों पर कर लिया था, उनके गवाह के आधार पर किया था, पर आपको विवेचना करनी चाहिए थी, और विवेचना इसीलिए की जाती है, विवेचना अतिरिक्त FIR होने के बाद भी अतिरिक्त धाराएँ बढ़ाई जाती है, अतिरिक्त आरोपी बढ़ाए जाते हैं। परंतु जब माननीय न्यायालय को इस विषय पर लगा कि निश्चित तौर से संबंधित के ऊपर आरोप लगते हैं, जैसे आपने कहा कि माननीय विधायक जी ऊपर प्रकरण लगाए गए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, तो माननीय न्यायालय को अधिकारिता है और न्यायालय को लगता है वो FIR घटा भी सकता है, न्यायालय को अधिकार है कि FIR दर्ज भी कर सकता है। उन्होंने माननीय न्यायालय को लगा कि इस प्रकरण पर FIR दर्ज की जानी चाहिए, उन्होंने धाराएं बढ़ाई, उन्होंने FIR संबंधित व्यक्तियों का नाम दर्ज किया, ये न्यायालय का अधिकार हो सकता है। 333 धारा भी लगी है, 10 साल का सजा है। देखिए, निश्चित तौर से संविधान में सबको अधिकार है और न्यायालय को, न्यायालय की व्यापक अधिकारिता है, न्यायालय का भी स्वविवेक है, और न्यायालय ने जो धाराएं लगाई हैं उसमें 10 वर्ष की सजाएं हैं, सजा है, जमानत के भी प्रावधान है, जमानती है, जमानती बहुत सारी उसमें धाराएं मैंने देखी हैं, कुछ जमानती कुछ अजमानती धाराएं हैं, तो निश्चित तौर से न्यायालय ने FIR दर्ज की है, तो FIR उनको समन जारी होगा, समन पर उपस्थित होंगे। अब न्यायालय को क्या लगता है कि जमानत देनी चाहिए कि ना देनी चाहिए, न्यायालय की अधिकारिता है, इसलिए कि न्यायालय की अधिकारिता में अभी समन जारी हुआ है, जब तक न्यायालय उपस्थित नहीं होते हैं तो इस विषय पर कुछ कह पाना कि न्यायालय को, न्यायालय जमानत देगा कि नहीं देगा, कुछ ऐसा भी प्रकरण होता है जिसमें न्यायालय का स्वविवेक होता है और माननीय न्यायालय की अधिकारिता और उस पर हस्तक्षेप करना। आप अक्सर लड़ते रहते हैं, देखते हैं कि छोटे छोटे मामलों में पुलिस मामला दर्ज कर देती, कभी कभी आप लड़ते रहते हैं, मामला दर्ज नहीं करती, क्या लगता है अगर पुलिस उस समय मुख्य जो बात आई थी, ऑडियो आया था, आरोप थे, मुख्य जो पीड़ित था, दर्ज कर लेती तो इतना ना फटकना पड़ता, न्यायालय ना जाना पड़ता, लोगों को एक मैसेज भी जाता था कि पुलिस पर आशा रहती, कार्यवाही हो जाती। देखिए, निश्चित तौर से ये आप सही कह रहे हैं कि पुलिस को निष्पक्षता के साथ, न्याय के साथ काम करना चाहिए था, पुलिस को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि चाहे आरोपी कोई भी व्यक्ति हो, किसी महत्वपूर्ण दायित्व में हो, कहीं भी हो, और आरोपी बनने भी नहीं चाहिए, आरोपी बचने भी नहीं चाहिए, ये पुलिस का काम है। तो पुलिस को किसी पद दायित्व तो गरिमा को भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, व्यवस्था को ध्यान रखना चाहिए, किसकी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि धारा में कोई आता है, अपराध में आता है, आरोपी बनता है, तो पुलिस को विवेचना सही तरीके से करनी चाहिए। और रही बात इस बात की कि किसी आम व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और पुलिस के पास गए, इसीलिए पुलिस बल नियुक्त है, पुलिस के लिए कार्यालय नियुक्त है, कानून की व्यवस्था बनाई गई है, संविधान की व्यवस्था बनाई गई, यदि पुलिस उस कानून और संविधान की रक्षा व्यवस्था नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, क्या जेल भी जा सकते हैं? यदि न्यायालय को लगता है तो निश्चित तौर से, इसलिए कि अभी उन्होंने समन जारी हुआ है, जितने आरोपी बनाए गए हैं माननीय न्यायालय द्वारा, तो मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी प्राप्त हुई है, समन जारी होगा, समन में वो न्यायालय उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे, अपने वकील के माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से वो अपना पक्ष रखेंगे, और न्यायालय को लगता है कि इसमें उनको जमानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो न्यायालय निर्णय कर सकते। सुना आपने, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त रहता है। अगर समय रहते पुलिस विधायक पर शिकंजा कस देती तो सीईओ पर जानलेवा हमला ना होता, सैकड़ों लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज नहीं होते, लोगों की प्राइवेट नौकरियां ना जाती, लेकिन जिले के अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी आंख में काली पट्टी बांधकर अपराधियों को संरक्षण देते रहे और निर्दोषों को फंसाते रहे हैं।
धन्यवाद है न्यायालय का, जहां आज भी पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।